नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे जिसका नाम है JKS ब्लॉग रीवा में। आज मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा इस करियर के बारे में। करियर के बारे में आपको क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है ये बताना चाहूंगा। इसको मुझे लगाए हुए 6 महीने हो गए हैं और 6 महीने का जो एक्सपीरियंस रहा मैं वो आपको बताता हूँ। ये इसमें अगर इसका फ़ायदे की बात करूँ तो फ़ायदे में ये है कि आपका थोड़ा सा गाड़ी का लुक इन्हेंस हो जाता है, थोड़ा सा एलिगेंट लगने लगता है। और इसका जो सेकंड फ़ायदा ये है कि आप कुछ भी लगेज इस पे कैरी कर सकते हैं। लेकिन लगेज कैरी कर सकते हैं वहाँ पे तो ठीक है, लेकिन क्या होता है कि जब आप लगेज यहाँ पे कैरी करते हैं तो कई बार क्या होता है कि जैसे ये केबल गई है, अब हम लोग गांव में रहते हैं तो गांव के हिसाब से कई बार आपने देखा होगा केबल थोड़े नज़दीक रहती हैं, कुछ तारे वगैरह, जैसे तारे वगैरह लोग लगा के रखते हैं जो कि नज़दीक नज़दीक होता है, और कई बार ध्यान न देने पे ये फंस जाता है, जैसा कि मेरे साथ हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे इस पूरी गाड़ी में पहले यहाँ पे ये इंस्टॉल था, बीच गाड़ी में इंस्टॉल था ये, और यहाँ पे केबल फंस गई थी और केबल फंसने के वजह से पूरे गाड़ी में ये पेंट निकल गया। ये देखिए दोस्तों, ये पेंट निकला हुआ है, ये पेंट के ही दाग हैं, ये कैरियर लगा था जिसके वजह से ये दाग आ गया। अब ये पेंट निकल गया है, अब बरसात में बारिश में क्या होता है, बारिश गिरेगी और ये यहाँ पे जंग लगना चालू हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों कितना ख़राब हुआ है, मैं आपको कोशिश करता हूँ और ऊपर चढ़ के दिखाने की। ये देखिए दोस्तों, प्लस इसका दूसरा ड्रॉबैक ये है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं मिट्टी फंसी हुई है तो यहाँ से पानी भी आपका क्रॉस नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे भी जंग लगने के चांसेस, देखिए जंग लगने लग गया है। ये देखिए दोस्तों, तो अगर मैं यही कहना चाहूँगा कि ये इसके नुकसान हैं। देखिए दोस्तों, ये मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जंग लगा हुआ है दोस्तों, ये यहाँ पे ये जंग लगना चालू हो गया क्योंकि पेंट निकल गया है और जंग लगना चालू हो गया। और यहाँ पे देखिए, ये यहाँ से निकला था तो ये तार वगैरह भी सब टूट गई इसकी, इसका जो पीछे का स्पॉइलर लगा रखा है। और इस साइड से भी अगर आपको दिखाऊं तो ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे लगा हुआ है, ये देखिए, ये इसी के दाग हैं दोस्तों। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इसके फ़ायदे तो कम हैं लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा हैं। ये पूरी गाड़ी में देखिए, ये भी देखिए, यहाँ पे पहले लगा रखा था मैंने, अब ये हटा दिया मैंने, यहाँ से दूसरी जगह लगा दिया। प्लस कुछ दिन के बाद इसमें क्या होता है, ये ढीले हो जाते हैं, ये जो चीज़ें हैं ये ढीले हो जाते हैं। तो मैंने जब ढीला हो गया था तो मैंने यहाँ पर ट्यूब लगा दी है, ट्रक की ट्यूब है ये, ताकि सपोर्ट बना रहे। और ये गाड़ी जब इस पे आप कोई भी वेट ज़्यादा रख देते हैं तो इस बॉडी पे ज़्यादा दिक्कत ना आए, क्योंकि बार बार वहाँ पे लगता है जिसके वजह से उसका पेंट निकल जाता है गाड़ी का और उसमें जंग लगने लग जाता है। तो इस वजह से मैंने ये सारा निकाल दिया। प्लस इस पे चालान भी है दोस्तों, तो मेक श्योर आप ज़रूर ध्यान दें, अगर आप कैरियर लगवा रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तभी कैरियर लगवाएं, बाकी आप कैरियर ना लगवाएं क्योंकि इसका चालान है दोस्तों। तो चालान मेरे एक बार पुलिस वालों ने मुझे पकड़ा था, वो तो छोड़ दिया कुछ रीज़न के वजह से, बट मैं उन्होंने यही कहा कि कैरियर लीगल है तो इसका 500 रुपये कम से कम आपको फ़ाइन देना पड़ेगा, पर वो कुछ रीज़न के वजह से उन्होंने मुझे छोड़ दिया। पर कैरियर अलाउ भी नहीं है और ये अगर आपको बहुत रिक्वायरमेंट नहीं है तो कैरियर अवॉइड ही करें दोस्तों, इसके बहुत नुकसान है। और एवरेज वगैरह की अगर बात करें तो एवरेज वगैरह में ज़्यादा कुछ लोग बताते हैं कि एवरेज में फ़र्क पड़ता है, एवरेज मुझे कोई खास फ़र्क पड़ा नहीं इसको लगाने के बाद। बस यही नुकसान है कि गाड़ी में अगर कहीं कैरियर आपके केबल या किसी चीज़ में फंस गया, या कि कई बार क्या होता है ओवर ज़्यादा लोड भरने की वजह से ये चीज़ें यहाँ से निकल भी जाती हैं, कई बार ये बहुत ज़्यादा हच हो जाता है तो बाहर आ जाता है, तो वो भी नुकसान है दोस्तों। तो ये छोटी सी जानकारी थी जो मेरे साथ हुआ, मैं चाहता हूँ कि दूसरों के साथ ना हो, दूसरों का नुकसान ना हो, तो इसी वजह से मैंने ये सारी चीज़ें अपनी शेयर करी हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।